जाड़े का सीजन है, मटर खूब आती है। पोहे का नाश्ता तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम आपके लिए पोहा, पुलाव या चूड़ा मटर की तहरी का वीडियो लेके आए। ये तहरी खाने में बहुत अच्छी लगती है, आप भी इसे बनाइएगा। आइए चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम चूरा लिया है और ये मैंने 2 कटोरी मटर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। तब तक जो चूड़ा कढ़ाई चढ़ा दी है हमने, जो चूड़ा लिया है उसको इस तरीके की छन्नी में डालकर भिगा कर तैयार करें, भिगा कर पानी निकल कर रेडी करेंगे। ये देखिए मेरा तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब मैंने इसके अंदर एक हरा मिर्चा काट के डाला है और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का रेत के डाला है। जो ये मटर मैंने ली है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाकर इसके अंदर आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा और ये एक छोटा चम्मच नमक डालिए। नमक अपने आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको ढककर पकने के लिए थोड़ी देर के लिए मटर गलने तक चढ़ा देंगे। जीरा मैं भूल गई थी, जीरा मैंने ऊपर से डाला है। इसको भी अच्छे से चलाकर मटर पकने तक इसको ढककर चढ़ा देंगे। आधा छोटा चम्मच कस्तूरी लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इन सबको अच्छे से चलाकर फिर से 1 से 2 मिनट तक पकने के लिए। ये देखिए मेरे मटर गल गए हैं। अब जो ये मैंने चूड़ा भी भरकर रखा है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और अच्छे से चलाकर इसको फिर से 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए चढ़ाएंगे ताकि सारी मसाले जो मैंने डाले वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और आधा थोड़ा सा नींबू का रस इसके अंदर डालेंगे, आधा नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। ये देखिए अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। इसको भी अच्छे से चलाकर सर्व करेंगे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को, पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलती है एक ऐसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। और हाँ दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई चूड़ा मटर या चूड़ा और पोहा और मटर का पुलाव कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। देखिए मेरा तहरी कितनी खिली खिली बनी है। ये देखिए दोस्तों, आज मैंने पोहा और मटर या चूड़ा की तहरी बनाकर रेडी करी है। ये देखिए कि मेरी तहरी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई। दोस्तों आइए चलिए फिर देर किस बात की, तहरी बनाना शुरू करते हैं।